हाय, मैं हूँ अमृता और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आज मैं एक साईफाई मूवी लेके आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट 9। इस मूवी के ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल कंसेप्ट एंड ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन, ग्रेट एक्टिंग के लिए इसे 7.9 आईएमडीबी की रेटिंग है। इसका कंसेप्ट भी काफी मस्त और यूनिक था, जहाँ पे एक एलियन मदरशिप 3 महीने के लिए अर्थ पे आके रहता है और इंसान कैसे उसके साथ लड़ते हैं, इसी की कहानी है। नहीं, ये बाकी मूवीज की तरह नहीं है, मैंने जैसे पहले कहा था काफी यूनिक स्टोरी है। सो मूवी की शुरुआत में हम एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं जहाँ पे अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि करीब करीब 20 साल पहले यानी 1982 के आसपास एक एलियन शिप साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के ऊपर आया था। बिना किसी से कांटेक्ट किए ये शिप वैसे ही वहाँ पे 3 महीने तक मंडरा रहा था। सो इसीलिए इंसानों ने उस शिप पे हमला करके वो अंदर चले गए। उन्हें अंदर एलियंस की कई सारी स्पीशीज दिखाई देते हैं। उन्हें देख के यही लग रहा था कि शायद वे लोग बीमार हैं और कई दिन से उन्हें खाना भी नहीं मिला है। इंसानों को आगे पता चलता है कि ये जो एलियन की स्पीशीज है वो दरअसल वर्कर ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इन एलियंस के जो लीडर्स है वो किसी बीमारी या प्लेग के कारण मर गए हैं और इसीलिए ये मदरशिप यहाँ अर्थ के ऊपर मंडरा रहा था क्योंकि वे लोग अपना डायरेक्शन भूल गए थे। अब वर्ल्ड लीडर्स के सामने सवाल आता है कि उन एलियंस का क्या करें। इसीलिए कई सारे देशों से कंसल्ट करने के बाद सबका यही ओपिनियन होता है कि उन एलियंस को अर्थ पे रहने के लिए परमिशन दी जाए। गवर्नमेंट इन रिफ्यूजी एलियंस के लिए एक कैंप बांधती है जो इंसानों के शहर से दूर था। इस एरिया को डिस्ट्रिक्ट 9 बुलाया जाता था। वहीं पे इन 10 लाख एलियंस को रखा जाता है। इस एरिया के आसपास आर्मी भी तैनात थी ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आर्मी सॉल्व करे। अगर इन एलियंस के बिहेवियर की बात करें तो वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, उन्हें बस रहने के लिए जगह चाहिए थी। लेकिन ये बात थी उस समय की। अब कुछ साल बीत जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट 9 ये पूरा स्लम में बदल जाता है। काफी गंदगी हो गई थी वहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ इंसान आके भी रह रहे थे जो माफिया थे और काफी इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे इस एरिया में, जैसे कि इंटरस्पीशीज प्रोस्टिट्यूशन। ये सब कुछ एक नाइजेरियन माफिया मुंबा इसके अंडर हो रहा था। वो वहाँ पे रह रहा था क्योंकि उसे एलियन के हथियार और उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए थी। इसके बदले में वो एलियंस को कैन फूड देता था क्योंकि एलियंस को कैन फूड काफी पसंद था। अब देखते देखते 28 साल बीत जाते हैं और साल था 2009 और अब इन एलियंस ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वो डिस्ट्रिक्ट 9 इस एरिया से बाहर आते, इंसानों को परेशान करते, लॉ तोड़ते, उनका पूरा सामान तोड़फोड़ करते थे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ये लॉ भी निकाला था कि ये सारी जगह ओनली ह्यूमंस के लिए है, लेकिन फिर भी एलियंस वहाँ पे जाके इंसानों को बुली करते थे। इसलिए कई सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे और गवर्नमेंट से मांग करने लगे कि इन एलियंस को आप कहीं और मूव कर दो या फिर इन्हें वापस इनके प्लेनेट पे भेज दीजिए। गवर्नमेंट के पास वापस एक क्वेश्चन आ जाता है कि अब क्या करें। इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट फिर ये प्रोजेक्ट मल्टीनेशनल यूनाइटेड नाम की कंपनी को देती है, MNU। ये प्राइवेट कंपनी इंटरनेशनल वेपन्स मैन्युफैक्चरर थी। ऐसे कई सारे सिचुएशन उन्होंने ऑलरेडी हैंडल किए थे, इसीलिए इन एलियंस को शहर से बाहर मूव करने का प्रोजेक्ट उनको दिया जाता है। लेकिन इस कंपनी का एक सीक्रेट एजेंडा था, इन्हें एलियंस के एडवांस हथियार और उनकी टेक्नोलॉजी की तलाश थी। एलियन को रिलोकेशन करने का बस एक बहाना था गवर्नमेंट के आंख में धूल झोंकने का। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट की मदद से ये लोग इंसान और एलियन के DNA का म्यूटेशन भी कर रहे थे। अब हम MNU के ऑफिस में देखते हैं। कंपनी का हेड था स्मिथ और वो इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज अपने ही जमाई वाइकस को ही देता है और उसे ही प्रोजेक्ट का हेड बनाता है। अभी दोस्तों एलियंस की सिचुएशन कुछ ऐसे थी, इतने साल रहने के बाद इनका पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, अर्थ पे आने के कारण उनका आधार कार्ड बनवा दिया गया था और उन्हें एक नाम दिए गए थे। इसीलिए एक दिन वाइकस MNU के कुछ ऑफिसर्स और आर्मी के साथ डिस्ट्रिक्ट 9 एरिया में चला जाता है। वाइकस यहाँ पे हर एक एलियन को नए कैंप के बारे में समझा रहा था। अगर एलियन को कोई एतराज नहीं है तो वो के लिए मानते थे और डॉक्यूमेंट पे साइन करते थे। तभी हम क्रिस्टोफर नाम के एक एलियन और उसके छोटे बच्चे एलियन CJ को देखते हैं। यहाँ पे क्रिस्टोफर अपने दोस्त पॉल के साथ मिलके एक अजीब ब्लैक मटेरियल को क्लीन कर रहा था और वो उसे एक सिलेंडर में रखता है। ऐसे कई सारे सिलेंडर के बॉटल्स उसके घर में रहते हैं। ये ब्लैक मटेरियल दरअसल एलियन फ्यूल था जो कि उनके एडवांस टेक्नोलॉजी में यूज होता था, लेकिन उसे इस फ्यूल को ढूंढने के लिए करीब करीब 20 साल लगे थे। अब थोड़ी देर के बाद जब क्रिस्टोफर घर में नहीं था तब वहाँ पे वाइकस आ जाता है और वो इस लिक्विड से अनजान सिलेंडर को देखने लगता है और वो सिलेंडर देख ही रहा था तभी अचानक से उसके अंदर का फ्यूल उसके चेहरे पे स्प्रेड आउट होता है। अब वाइकस खुद को साफ करता है और बाहर आता है और उस सिलेंडर को वो सीज करके अपने साथ लेके जाता है एज एविडेंस।
लेकिन दोस्तों उसी इंसिडेंट के बाद से वाइकस की हालत बहुत ही खराब होने लगती है। शाम को जब वो अपने घर आता है तब उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन पार्टी में ही अचानक से वो बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और तब भी हम देखते हैं उसका लेफ्ट हाथ जो रहता है वो पूरी एलियन की तरह बन गया था। तो वाइकस को MNU के साइंटिस्ट कस्टडी में लेते हैं और उस बेचारे के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चलता है कि उस फ्यूल के कारण वाइकस का DNA अब अल्टर हो रहा है। वो इंसान और एलियन इन दोनों का एक हाइब्रिड बन गया है। शरीर की एक साइड इंसानों की तरह थी तो दूसरी साइड एलियन की तरह। इसके कारण अब वो एलियन के एडवांस वेपन्स भी ऑपरेट कर सकता था, लेकिन DNA चेंजेस के कारण वो धीरे धीरे पूरा एलियन बन जाने वाला था। ये बात जब MNU के हेडिया ने उसके खुद के ससुर को जब पता चलती है तब इसकी हालत देखते हुए वो इसी के ऊपर अपने इलीगल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं। इसीलिए आगे वो साइंटिस्ट इसके शरीर में एक बायोलॉजिकल मटेरियल डालते हैं ताकि एलियन का DNA और भी स्ट्रांग हो और उसकी एलियन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की एबिलिटी और भी बढ़े। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो ये एबिलिटी वो और भी इंसानों को देने वाले थे जिन पे ऑलरेडी इलीगल एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। लेकिन इन्हें एक्सपेरिमेंट की भनक वाइकस को लग जाती है कि कुछ तो ये लोग अलग कर रहे हैं, इसीलिए वो वहां से सबको मारते हुए भाग जाता है। वहां से भागते हुए डिस्ट्रिक्ट 9 के क्रिस्टोफर के घर पे चला जाता है। दोस्तों यहां पे क्रिस्टोफर इन एलियन लीडर्स का आखिरी बचा हुआ सदस्य था। वो बाकी एलियंस की तरह गुलाम नहीं था, वो उनका लीडर था, इसीलिए उसे एलियन टेक्नोलॉजी की काफी नॉलेज थी। वाइकस उसके पास जाता है, उसे कहता है कि मुझे वापस इंसान बनाओ, मुझे नहीं पता ये लिक्विड क्या था बट मुझे ऐसा नहीं बनना है। पहले तो क्रिस्टोफर मदद करने से मना करता है, लेकिन बाद में वो एक शर्त पे मान जाता है कि वो उसका DNA म्यूटेशन रोकेगा, लेकिन उसके बदले में उसे वही ब्लैक फ्यूल का जो सिलेंडर है वो चाहिए जो कि खुद वाइकस के कस्टडी में था उसके ऑफिस में। आगे वो बताता है DNA म्यूटेशन रोकने के लिए वाइकस को मदरशिप में जाना होगा जो इतने सालों से अभी भी शहर के ऊपर ही मंडरा रही है। लेकिन वाइकस कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं कैसे शिप पे जा सकता हूँ। तो फिर क्रिस्टोफर उसे उसी के घर में छुपाई हुई एक शटल शिप दिखाता है जो उसके घर में पिछले 28 साल से छुपा के रखी थी और इसके बारे में किसी भी इंसान को पता नहीं था। ये देख के खुद वाइकस हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। उसी शटल शिप के थ्रू वो उसे मदरशिप का कमांड मॉड्यूल भी दिखाता है जहाँ वाइकस को जाना होगा। क्रिस्टोफर आके कहता है कि वो ब्लैक लिक्विड दरअसल हमारा फ्यूल है और शटल को शुरू करने के लिए उसकी काफी जरूरत है। वो आगे वापस मदरशिप को एक्टिवेट करके अपने प्लैनेट में लौटना चाहता है। अब ये सब जानने के बाद वाइकस के पास कोई और चारा ही नहीं था, इसीलिए वो तैयार होता है। उसे हथियार की जरूरत थी, इसीलिए वो नाइजेरियन माफिया मुम्बा के पास जाता है ताकि वो एलियन की जो एडवांस हथियार है वो उसे दे। लेकिन मुम्बा पूरा साइकोपैथ रहता है। उसे जब पता चलता है कि इसके शरीर में एलियन का भी DNA है तो उसे वाइकस का हाथ खाना था ताकि मुम्बा का खुद का शरीर भी इन्फेक्ट हो और उसका DNA अल्टर होने लगे। लेकिन वाइकस फिर भी उससे हथियार लेता है और वाइकस के इसी डरावने रूप के कारण कोई भी उसके सामने नहीं आता और फिर वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद क्रिस्टोफर की मदद से वो लोग MNU के हेडक्वार्टर जाते हैं और वहां से वो ब्लैक फ्यूल के जो सैंपल्स रहते हैं वो लेते हैं। लेकिन तभी क्रिस्टोफर को कुछ पता चलता है, वो लैब की ओर बढ़ता है और दोस्तों तभी वहां पे उसे एक भयानक चीज दिखाई देती है कि यहां पे उनके जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उनमें एलियंस भी शामिल थे, यानी इंसान एलियंस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उसे वहीं पे अपना दोस्त पॉल भी दिखाई देता है जिसका पूरा डाइसेक्शन किया गया था। ये देख के क्रिस्टोफर को काफी गुस्सा आ जाता है। जब वो दोनों भी डिस्ट्रिक्ट 9 में वापस आते हैं तभी क्रिस्टोफर अकेले ही शटल से मदरशिप में जाने लगता है और वो वाइकस को कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारा म्यूटेशन मैं नहीं रोक सकता, मुझे पहले अपने होम प्लैनेट जाना होगा क्योंकि उसे खुद प्रोसीजर पता नहीं है ये म्यूटेशन कैसे रोकना है और यहाँ पे फ्यूल भी लिमिटेड है, इसलिए मुझे अकेले ही जाने दो। अपने होम प्लैनेट जाने के बाद वो अपने लोगों से मदद लेगा कि वाइकस को कैसे ठीक करना है, उसका म्यूटेशन कैसे रोकना है और फिर वो टेक्नोलॉजी लेके मैं वापस तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा, लेकिन इस पूरे जर्नी में 3 साल लगेंगे, तब तक वाइकस को ऐसे ही रहना होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टोफर ने पहले वाइकस से झूठ कहा था कि उसे पता है म्यूटेशन कैसे रोकना है, उसे बस सिलेंडर की जरूरत थी जो वाइकस के द्वारा उसने ले लिया। अब ये जानने के बाद वाइकस को काफी गुस्सा आता है और फिर वो खुद ही शटल के कंट्रोल मॉड्यूल को ऑपरेट करने लगता है ताकि वो खुद मदरशिप तक पहुंचे। लेकिन तभी मिलिट्री के लोग वहां पे आते हैं और उनके एयर मिसाइल से उस शटल को रोकते हैं और वाइकस और क्रिस्टोफर को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी मुम्बा के कई सारे लोग इनके ऊपर हमला करते हैं और वे लोग वाइकस को अपने साथ लेके जाते हैं ताकि उसके शरीर के पार्ट्स लेके वो खुद पे एक्सपेरिमेंट करके एलियन बन सके। लेकिन इसी बीच में क्रिस्टोफर का जो छोटा बेटा था CJ, वो अभी
भी उसी शटल में छुपा हुआ था। वो रिमोटली मदरशिप को एक्टिवेट करता है जिसके कारण सारे एलियंस के पास एक डिवाइस रहता है, वो एक्टिवेट होता है और उन्हें मदरशिप का एक सिग्नल मिलने लगता है। इसके साथ साथ सीजे एक बड़े से मशीनिस्ट सूट को एक्टिवेट करके मुंबा के सारे लोगों को मार देता है। फिर वाइकस देखता है ये सूट ऑटोमेटिक है और वो उस सूट को पहन के ऑपरेट करने लगता है और फिर वो क्रिस्टोफर को MNU के जो बाकी के सोल्जर्स थे उनसे बचाता है। आगे वो क्रिस्टोफर को मदरशिप लेके जाने के लिए देता है और खुद सोल्जर का सामना करते हुए पीछे रुकता है। क्रिस्टोफर भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो 3 साल में लौट आएगा ताकि वाइकस को वापस इंसान में बदल सके। लेकिन इसी दौरान जो एक सोल्जर रहता है वेंटर, वो वहाँ पे आता है। वो उस सूट को पूरी तरीके से डैमेज करके देखता है कि इसे ऑपरेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि वाइकस ही है। अब ये पता चलने पर वो वाइकस को मारने ही वाला था, लेकिन तभी स्लम के बाकी के एलियंस आके वेंटर को मार देते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर शटल में जाके अपने बेटे सीजे से रियूनाइट होता है और वहाँ से वो मदरशिप में चला जाता है और फिर वे लोग अपने मेन मदरशिप को लेके अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं अपने होम प्लैनेट के लिए। और वाइकस इसी इंतजार में रहता है कभी ना कभी क्रिस्टोफर वापस आएगा उसे इंसान बनाने के लिए। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं वाइकस के कलीग ने MNU के इन इलीगल एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज कर दिया था और अब सारे एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 10 इस एरिया में मूव कर दिया गया था। उनकी पॉपुलेशन स्टार्टिंग में जो 10 लाख थी अभी 25 लाख हो गई थी, लेकिन लोगों को अभी भी वाइकस कहाँ है ये पता नहीं था। कई लोग अलग अलग थ्योरी सामने रख रहे थे कि शायद वो मदरशिप से उनके होम प्लैनेट में चला गया है, या कुछ लोग कह रहे थे कि वो अर्थ पे ही है लेकिन छुपा हुआ, या फिर उसे गवर्नमेंट या MNU के लोगों ने पकड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों आखिर में हम वाइकस की पत्नी का जब इंटरव्यू देखते हैं तब वो काफी दुखी होती है उसके हस्बैंड की इस हालत के कारण और वो इंटरव्यू में कहती है कि अक्सर मुझे अपने घर के बाहर मेटल के फूल मिलते हैं जो हमेशा वाइकस उसके लिए बनाया करता था, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं थी कि वो जिंदा है या नहीं। और अब हम फिल्म के आखिर में एक एलियन को देखते हैं जिसके हाथ में बैंडेज लगाई हुई थी और वो एक स्क्रैप से लोहे के फूल बना रहा था। यानी दोस्तों यही वाइकस था, वो अब पूरी तरीके से एलियन में बदल गया था और इसी होप में रह रहा था कि कभी ना कभी क्रिस्टोफर वापस आके उसे इंसान बनाएगा और वो अपने घर वापस लौटेगा। तो ये थी कहानी डिस्ट्रिक्ट 9 इस एरिया की। कहानी के अंत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इसका सीक्वल बहुत जल्द ही आएगा, लेकिन अभी 11 साल हो गए इसके सीक्वल का कोई हतापता नहीं है। वेल, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।